हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल और मैं अपने टॉप 5 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको इंडिया के टॉप 5 आर्कोलॉजिकल हेरिटेज प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्कोलॉजिकल हेरिटेज प्लेसेस के नंबर पे पहले नंबर पे आता है हम्पी। एक यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। 3री शताब्दी में ईस्वी सन पूर्व हम्पी मौर्य साम्राज्य के एक भाग था। तुलु वंश के राजा के राज्य में अपने ऊंचाइयों पे था। हम्पी रामायण के किष्किंधा क्षेत्र के अंदर आता है। कहते हैं यही राम जी और उनके भक्त हनुमान की भेंट हुई थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ईस्वी सन 1500 आते आते मध्यकालीन विश्व का सबसे बड़ा दूसरा नगर बन गया। बीजिंग के बाद यह सबसे समृद्ध शहर था। फ्रांस और पुर्तगाल से भी लोग यहाँ आया करते थे। यूनेस्को ने इसके बारे में बताते हुए इसको एक बड़ा स्थल बताया है जहाँ दक्षिण भारत में महान हिंदू राजा के 1600 से ज़्यादा अवशेष बचे हुए हैं। टॉप 5 आर्कोलॉजिकल हेरिटेज प्लेस के दूसरे नंबर पे आता है ये मंदिर। 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। इसका आकार सूर्य देव के रथ के समान है। साथ ही में पहियों के 12 जोड़े हैं और इस रथ को 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दिखाया जाता है। ये मंदिर समुद्र तट के पास होने से इसकी सुंदरता में और 4 चांद लग जाते हैं। ओडिशा और 4 महान मंदिरों के लिए जाना जाता है और इसको है जिनमें जगन्नाथपुरी मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर आता है। सदियों से समंदर से आने वाले नाविकों के लिए ये लैंडमार्क बना रहा है। ये मंदिर 1984 में अपने महान स्थापत्य सूक्ष्म कलाकृतियों और मूर्ति शिल्पों के लिए यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन AMSAR के एक्ट के द्वारा नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया के रूप में संरक्षित है। और टॉप 5 आर्कोलॉजिकल हेरिटेज के प्लेस में 3रे नंबर पे आता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं सदी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है नालंदा यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना ईस्वी सन 450 में हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र थी। पटना से 90 किलोमीटर दूर और बिहार शरीफ से 12 किलोमीटर दक्षिण में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बुद्ध विश्वविद्यालय खंडरों में स्थित है। इस लाइब्रेरी में हजारों किताबों के साथ 90 लाख पांडुलिपियाँ रखी हुई है। यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके सभी किताबों को जला दिया था, जिसे बुझाने में 6 महीनों से ज़्यादा समय लगा था। तक्षशिला और नालंदा दोनों सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी में से एक है। ये दोनों 800 साल अस्तित्व में रही थी। यहाँ मेरिट के बेसिस पे चयन होता था। रहना और खाना बिल्कुल निशुल्क था। कई तरह की विद्याएं यहाँ पढ़ाई जाती थी। 2700 से ज़्यादा अध्यापक और 10,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। यूनिवर्सिटी में भारत ही नहीं बाकी अन्य देशों के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते थे। 5 आर्कोलॉजिकल हेरिटेज प्लेसेस की लिस्ट पे 4थे नंबर पे आता है सांची स्तूप। सांची स्तूप के गोलार्ध में एक ठोस कोर है जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसके भीतर भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। मध्य में स्थित हरिका या स्काईवॉल रेलिंग यहाँ के पवित्र दफन स्थल के बारे में बताते हैं। इस महान स्तूप के मध्य में 3 गोलाकार डिस्क और बुद्ध धर्मा की त्रिनेन है। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के सम्मान में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया था। इसकी ऊंचाई लगभग 54 फुट है। इसमें शामिल अधिकतर बुद्ध के प्रतिमाओं पर एक मौर्यकालीन पॉलिश किया है जिससे प्रतिमाओं में कांच की तरह चमक आती है। यह स्तूप 4 दरवाजों के बीच में है जो जातक और भगवान बुद्ध की कथाओं को बताता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सांची से ही लिया गया है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में इसे चयन किया है। टॉप 5 आर्कोलॉजिकल प्लेसेस के लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सभ्यता वैदिक कालीन सरस्वती दृष्टवती नदी के घाटियों में फैली हुई है। घग्गर मृत नाली नट भैद्र नदी पर कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काली रंग की चूड़िया। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी और इसका एक्सकेवेशन का काम पीबी लाल और बीके थापर ने नेतृत्व में हुआ था। कालियों की प्राचीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ तो नहीं पर उनके समान ही मानी जाती है। कालीबंगा को आर्कियोलॉजिकल महत्व की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता की 3री राजधानी मानी जाती है।
हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा युगीन कालीबंगा। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है जिससे हड़प्पा संस्कृति के जैसे कालीबंगा में भी वो दो टीले दिखाई देते हैं। कालीबंगा में सभी ईंटें का रेशो 4:2:1 का है। कालीबंगा के अलावा हड़प्पा संस्कृति के अन्य नगरों में निचला नगर रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा हुआ है, इसलिए इसको दोहरी परकोट की सभ्यता कहा जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं अपना ये नया वीडियो डालूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। कालीबंगा।